फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज के चौथे दिन पड़ी सुस्त। पीएम मोदी और अमित शाह ने साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की है, जिसके बाद उम्मीद थी कि उनके बयान से फिल्म की कमाई में इजाफा होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुरू होते ही अब बस चंद घंटे बचे हैं। इस बार कई मायनों में शानदार होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। गोवा में इप्पी ने तैयारियां पूरी की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डिज्नी की मेगा बजट एनिमेशन फिल्म मोआना 2 का भी गाला प्रीमियर 27 नवंबर को होगा। ये फिल्म पूरी दुनिया में इसके दो दिन बाद यानी कि 29 नवंबर को रिलीज होगी। गोवा में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 15 फिल्में स्वर्ण मयूर पुरस्कार के लिए हिस्सा ले रही हैं। इनमें 12 विदेशी और भारत की 3 फिल्में हिस्सा ले रही हैं। स्वर्ण मयूर पुरस्कार की दौड़ में जिन 3 भारतीय फिल्मों ने तिरंगा थामा है, उनमें मलयालम फिल्म आर्ड जीवितम, मराठी फिल्म राव साहब और हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 शामिल है। द बकिंगहम मर्डर्स एक्टर और पॉपुलर सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। एक्टर ने शूटिंग से अभी दूरी बनाई हुई है। कंगना रनौत थप्पड़ कांड पर लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह महिवाल का एक बयान सामने आया है। कहा है कि सजा देने में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, दोनों को दंड मिले। बीजेपी नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को फिर से पाकिस्तान से धमकी मिली है। पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया डॉन फारूक खोखर ने एक्टर को धमकाया, कहा माफी मांग लो वरना मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा, क्योंकि मिथुन का बयान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिछले 27 अक्टूबर को कोलकाता में अमित शाह की रैली में मिथुन ने कहा था, एक नेता ने कहा था कि यहां 70% मुस्लिम और 30% हिंदू है, हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। इस पर मैं कहता हूं कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर दफना देंगे। एक्ट्रेस कश्मीरा शाह हाल ही में सड़क हादसे का शिकार हुई। एक्ट्रेस को काफी चोट आई है। अब एक्ट्रेस ने एक्सीडेंट के बाद की तस्वीर शेयर की है, जिसमें चोट साफ करते हुए कश्मीरा शाह ने कई नैपकिन का इस्तेमाल किया जो खून से सने हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कश्मीरा कह रही हैं, मैं बाल बाल बची हूं।